आज काजू बादाम की बर्फी बनाएंगे। काजू बादाम की बर्फी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, केसर को पानी में भिगो के लिया है, घी 2-3 स्पून घी, इलायची पाउडर, 1/2 कप दूध, 1 कप चीनी का पाउडर, बादाम भिगो के छिलके 1 कप लिया है, काजू 1 कप लिया है। बादाम को छिलके के साथ भी ले सकते हैं। काजू 1 कप, अभी इसको बनाने का विधि देखेंगे। पहले एक जार में काजू डाल रही हूँ, थोड़ा ये दरदरा पीस के इसी में ही बादाम डाल रही हूँ। देखिए दोनों मिला के ऐसा दरदरा पीस लेते हैं। अभी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, इस घी को सारे कढ़ाई में फैला के फिर इसमें दूध डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर, इलायची पाउडर, काजू बादाम जो पीस के रखा था ना वो इसमें डाल रही हूँ, केसर डाल रही हूँ। ये ऐसा इसको मीडियम आंच में पकाएंगे। देखिए ऐसा हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। ऐसे घुमाते घुमाते देखिए कितना अच्छा ये पक रहा है। देखिए ये गट हो गया है। अभी कढ़ाई को जब वो छोड़ देता है तभी हमको निकालना है। देखिए एक डव जैसा बन गया है, ऐसा डव जैसा बन जाना चाहिए। देखिए कढ़ाई को भी छोड़ रहा है, डव जैसा बन गया है। देखिए फिनिशिंग स्टेज में है। अभी इसको फॉयल शीट ट्रे में रख करके उसी में घी लगा के इसमें मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए ऐसा फैला देंगे, जितना हमको पतला मोटा चाहिए उसी अनुसार कटोरी के पीछे, एक प्लेन कटोरी के पीछे घी लगाकर उसको थोड़ा ऐसा फैला देंगे, नाइस कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर काजू बादाम की बर्फी। ये ठंडा होने के बाद 2 घंटा ऐसा रख देने से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको जैसा शेप चाहिए ऐसा हम कट कर लेते हैं। देखिए डायमंड शेप भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। देखिए इसको अभी मैं सर्विंग बोल में निकाली हूँ। काजू बादाम की बर्फी रेडी।